गुड इवनिंग। देश के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सिने अभिनेता दिलीप कुमार जी का आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया है। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी का सफ़रनामा। हिंदी सिनेमा के महानतम अभिनेता दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। ट्रेजेडी किंग ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आज सुबह आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार का जन्म पाकिस्तान के पेशावर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका असली नाम यूसुफ खान था। कम ही लोग जानते हैं कि दिलीप कुमार ने बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए लंबा सफ़र तय किया था। दिलीप कुमार का जन्म लाला गुलाम सरवर पिता और आयशा बेगम माता के घर हुआ था, जो कि फलों के व्यापारी थे। पेशावर में दिलीप साहब के पिता के बाग थे। इन्हीं फलों को बेचकर उनके घर का गुजारा होता था। 12 भाई बहनों में से एक दिलीप कुमार का बचपन बहुत ही तंगहाली में बीता था। 6 बहनें और 6 भाई थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को मिलाकर उनके 6 भाई थे, जिनके नाम नासिर खान, एहसान खान, असलम खान, नूर मोहम्मद, आयूब सरवार थे। वहीं दिलीप साहब की 6 बहनें फैजिया खान, सकीना खान, ताज खान, फरीजा खान, सईदा खान और अख्तर आसिफ थी। बताया जाता है कि दिलीप कुमार की मां आयशा बेगम को दमे का रोग था। 1948 में उनका निधन हो गया। बाद में 1950 में उनके पिता भी चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी दिलीप कुमार पर आ गई और सबसे बड़ी बहन सकीना ने घर गृहस्थी संभाल ली। बताया जाता है कि सकीना ने शादी नहीं की थी और उनका आखिरी वक्त अजमेर शरीफ में सेवा करते हुए बीता था। बीमारी के चलते दिलीप के भाई आयूब खान का निधन 1954 में हो गया था। नूर मोहम्मद 1991 में दुनिया को अलविदा कह गए। दिलीप की तरह उनके भाई नासिर खान भी फिल्म एक्टर थे। उन्होंने सुरैया और बेगम पारा से 2 शादियां की थी। बाद में चर्म रोग की वजह से नासिर का फिल्म करियर ख़त्म हो गया। 1976 में दिल का दौरा पड़ने से अमृतसर में उनका निधन हो गया था। दिलीप साहब के 2 भतीजे इमरान और अयूब हैं। ये फैमिली फ़ोटो है दिलीप साहब का। दिलीप कुमार ने 11 अक्टूबर 1966 में सायरा बानो से पहली शादी की थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी द सबस्टांस एंड द शेडो में एक्टर ने बताया, 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोई बच्चा न होने की वजह से 1980 में दिलीप कुमार ने आसमा रहमान से दूसरी शादी की। आसमा हैदराबाद की थी और तलाकशुदा थी, उनके भी बच्चे नहीं थे। हालांकि ये शादी ज़्यादा नहीं चल सकी। 1983 में दिलीप ने आसमा को तलाक दे दिया और दोबारा सायरा के पास आ गए। दिलीप कुमार और सायरा बानो के बच्चे नहीं हैं। दिलीप कुमार की शानदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें अमर बना दिया। उनके बोले गए डायलॉग इतने फेमस हुए कि बरसों बाद भी लोग याद करते और बोलते सुने जाते हैं। मुगले आज़म, देवदास से लेकर सौदागर तक फिल्मों में बोले गए कुछ फेमस डायलॉग आपको मैं दिखाता हूँ। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूँ। ये फिल्म देवदास का डायलॉग है। मुगले आज़म का डायलॉग है, मोहब्बत जो डरती है वो मोहब्बत नहीं ऐयाशी है, गुनाह है। नया दौर का ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जिसके दिल में दगा आ जाती है ना, उसके दिल में दया कभी नहीं आती। नया दौर का ही एक दूसरा डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ है, जब अमीर का दिल ख़राब होता है ना तो गरीब का दिमाग ख़राब होता है, फिल्म नया दौर। विधाता का एक डायलॉग है बहुत फेमस हुआ है, बड़ा आदमी अगर बनना है तो छोटी हरकतें मत करना। शक्ति फिल्म का डायलॉग, जिसमें इन्होंने पुलिस अधिकारी का रोल किया था, जो लोग सच्चाई की तरफदारी की कस्में खाते हैं जिंदगी उनके बड़े कठिन इम्तहान लेती है, शक्ति फिल्म। सौदागर का ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ है, हक हमेशा सर झुकाकर नहीं सर उठाकर मांगा जाता है। किला फिल्म का ये डायलॉग,
पैदा हुए बच्चे पर जायज़ नाजायज़ की छाप नहीं होती, औलाद सिर्फ औलाद होती है। बैराग का ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ है, प्यार देवताओं का वरदान है जो केवल भाग्यशालियों को मिलता है। किला का ही एक डायलॉग है, ये खून के रिश्ते हैं, इंसान न इन्हें बनाता है ना ही इन्हें तोड़ सकता है। मशाल का एक डायलॉग है, हालात किस्मतें इंसान ज़िंदगी वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको दिलीप कुमार के बारे में, उनके सफ़रनामे के बारे में थोड़ा सा बताया है आपको। ये जानकारी अच्छी लगे तो साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की हैं और कहा है उनका निधन हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए नुकसान है। उनके परिवार, मित्रों और असंख्य चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। दिलीप कुमार जी विल बी रिमेम्बर्ड एज ए सिनेमेटिक लीजेंड। ही वॉज ब्लेस्ड विद अनपैरेलल्ड ब्रिलियंस ड्यू टू विच ऑडियंस अक्रॉस जनरेशंस वेयर एंथ्रल्ड। हिज पासिंग अवे इज अ लॉस टू आवर कल्चरल वर्ल्ड। कंडोलेंस टू हिज फैमिली, फ्रेंड्स एंड इनमरेबल एडमायर्स। RIP 8:35 AM July 7, 2021। ये है शाम 5 बजे की खबर। जुहू कब्रिस्तान पहुंचा दिलीप कुमार का जनाजा, राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। देखिए, ये तिरंगे में लिपटा हुआ दिलीप कुमार जी की डेड बॉडी है जो कि जुहू स्थित कब्रिस्तान पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार जी राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और मुंबई के शेरिफ भी रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश रूल के समय जो है उनको जेल भी भेजा कि गया था और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्पीच दी थी जिसके कारण उन्हें जेल भी भेजा गया था, तो वो फ्रीडम फाइटर भी थे। 7 जुलाई 7:55 PM दिलीप कुमार का जनाजा उनके पॉली हिल स्थित घर से निकालकर जुहू कब्रिस्तान पहुंच चुका है। कुछ देर में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बताया उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया, 98 साल के थे। उनके परिवार के सदस्यों और उनका इलाज कर रहे चिकित्सकों ने ये जानकारी दी है। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार 98 वर्ष के थे।